Hello, everyone. I am here representing the class history. We have done read in first class Harappa civilization. We will continue in this class. Harappa सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने हड़प्पा सभ्यता तक हम कैसे पहुंचे, उसका काल निर्धारण कैसे हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ और उसकी नगर योजना क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी को और आगे एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए, हमने हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ रहे थे। नगर योजना की नगरों का निर्माण कैसे हुआ, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, उसमें हम सड़कें, गलियां, नालियां, भवन निर्माण कला, ईंटों के प्रकार, ये सब पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उस समय पर जब नगर निर्माण की बात करते हैं तो जो घर होते थे उनके जो खिड़की दरवाजे हैं वो कैसे यूज होते थे। तो देखिए, जो मेन रोड होता था उसके दोनों तरफ जो मकान होते थे उनके खिड़की और दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे और जो गली के अंदर होते थे उनके खिड़की और दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। दूसरी चीज, ड्रेन सिस्टम के लिए जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। छोटी छोटी नालियाँ शहर के बड़े बड़े नालों में जाकर मिलती थी और वो बड़े नाले किसी बाहर दूर गड्ढे के अंदर अपना पानी छोड़ते थे ताकि अव्यवस्था न फैले, किसी भी तरह की बीमारी ना फैले, संक्रमण ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। प्रकाश व्यवस्था की बात करते हैं। प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग सिस्टम। देखिए, उस समय पर हड़प्पा सभ्यता में जो मेन सड़कें होती थी, मुख्य चौराहे होते थे, गलियों का जो नोक होता था उनके ऊपर जो आजकल हम जिनको हांडा लाइट बोलते हैं उसी तरह के प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद सफाई व्यवस्था। सफाई के लिए घरों के बाहर, गलियों के चौराहे पर, दुकानों के सामने इस तरीके से व्यवस्था की गई थी कि गंदगी ना फैले। कुछ गड्ढे खोदे गए कि उनके अंदर जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, डाल दिया जाए। गलियों में गड्ढे ना खोद करके जो बड़े बड़े पोर्ट्स, मिट्टी के जो बर्तन या किसी धातु का बर्तन जिसको हम कचरा पात्र बोलते हैं, डस्टबिन, उनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमारा जो समाज है उस समय पर किस तरह का था। मोस्टली वी हैव रीड इन आवर इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आवर सोसाइटी वॉज अ मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड मीन पुरुष प्रधान समाज। लेकिन इंडस वैली, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि महिलाओं को प्रशासन में भाग लेने की इजाज़त थी, उन्हें अपने फैसले खुद करने की इजाज़त थी। वो पढ़ना चाहती हैं, वो किस तरह का काम करना चाहती हैं, किससे शादी करना चाहती हैं, ऑल दिस थिंग्स, कि महिलाओं की उचित रूप से भागीदारी प्रशासन में भी थी। प्रशासन के साथ साथ जो महिलाएं थी वो रण क्षेत्र में, व्यापार में, कृषि में, हर कार्य में हेल्प करती थी। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो चार भागों में बटा हुआ था। देखिए, हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो भी चार भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट इज ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। अगर देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और हमारी आज की जो सभ्यता है उसमें क्या लिटल डिफरेंसेज हैं, तो हमारी आज की जो सभ्यता है वो तीन भागों में बटी हुई है, यानी कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो पहले चार में था। तो तीन पार्ट्स क्या हैं? रॉयल सोसाइटी, यानी कि क्लास वन, जिसकी बात हम करते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, पैसे की कमी नहीं है। दूसरा हमारे पास होता है मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्गीय लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं, अपनी आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर लेते हैं। तीसरा आपकी होती है लो लेवल की सोसाइटी, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, BPL आप उनको बोल सकते हैं, कि जिनकी ज़रूरतें कभी पूरी होती हैं कभी नहीं, जो डेली बेसिस पर डिपेंड है। इसी तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो समाज था वो चार भागों में बटा हुआ था, उनके नाम क्या है? सबसे पहले योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक। तो देखिए, जो योद्धा थे उनका काम क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, यानी कि वो कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो उसका जो क्षेत्र है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है चीन और मेसोपोटामिया, यानी कि मिस्र की जो सभ्यता थी उससे 12 गुना बड़ा था। 12 गुना, यानी कि तो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना बड़ा रहा होगा। तो उस पूरे क्षेत्र की, उस पूरे भौगोलिक एरिया की सुरक्षा करने के लिए योद्धाओं की तैनाती की गई, यानी कि सैनिकों की। तो योद्धाओं का काम हुआ
सभ्यता को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र, एक बाउंड्री, जैसे हमारी LOC है, ऐसे ही उस समय पर उनकी जो भौगोलिक सीमा थी उसकी रक्षा करने के लिए कि बाह्य कोई आक्रमण ना हो, हम सुरक्षित रहें, तो ये काम योद्धाओं का था। दूसरा, विद्वान, जो शिक्षा या लोगों को जागरूक अवेयरनेस का काम करते थे, मदरसे, मकतब, पाठशालाएं जो भी होती थी, बच्चों को शिक्षा देना, लोगों को अच्छी बातें बताना, संस्कृति के बारे में बताना, अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा, वो सब काम विद्वानों का था। तीसरा नंबर आता है व्यापारी, यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे अहम हिस्सा। तो देखिए, व्यापारी जिनका काम मुख्य रूप से क्या था, व्यापार करना, यानी कि चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कि कौन सी चीज बन रही है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमारे पास क्या एक्सेस है, किसको हम दे सकते हैं, उस सब को मेंटेन करने का जो काम था वो व्यापारियों का था। और व्यापार की एक खास विशेषता कि वो किसी बाहरी देश से व्यापार नहीं करते थे, डोमेस्टिक ट्रेड का प्रचलन था, कि एक हमारा जो देश है उसकी बाउंड्री के अंदर ही। जैसे देखिए कि हम बात कर रहे हैं भारत की, कि आसाम में चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, हरियाणा में हरी सब्जियों का उत्पादन ज्यादा होता है, तो हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आसाम से चाय ले लें और उसको बदले में हरी सब्जी दे दें, इस तरह का डोमेस्टिक व्यापार वहां पर चलता था। दूसरी चीज कि व्यापार के लिए किस तरह के नियम थे, एक तो ये हो गया कि जो व्यापार है वो एक पर्टिकुलर वर्ग बना दिया, एक क्लास बना दी कि ये लोग हैं ये सिर्फ व्यापार को ही देखेंगे, ये अर्थव्यवस्था को संभालने का काम ही करेंगे। इसके बाद हमारी जो उस समय पर कि व्यापार के लिए क्या चलता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, जो आजकल नहीं है लेकिन कहीं कहीं गाँव में आपको छोटी मोटी दुकानों पर देखने को अभी भी मिल सकता है। देखिए बार्टर सिस्टम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट मनी, मीन्स कि देखिए उस समय पर पैसे का प्रचलन नहीं था, नोट नहीं होते थे, सिक्के नहीं होते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि जिस चीज की जरूरत हमें है वो किसी दूसरे से लेते थे, और दूसरे इंसान के पास जो एक्सेसिव होता था वो उससे ले लेते थे, कि यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, कि जैसे देखिए आपको पेन की जरूरत है, मुझे पेंसिल की, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज द बार्टर सिस्टम, की वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और जो तोल के रूप में, यानी कि देखिए आजकल जो आप बाट या इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल करते हैं, उस समय पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं थे और ना ही पर्टिकुलर फिक्स बाट होता था, बाट जो लोहे का होता है जिससे आप 1 kg, 2 kg, 5 kg लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स इतना वेट है और ये बाट है, लेकिन उस समय पर क्या था, उस समय पर जो तोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, 1, 2, 4, 6, 12, इस तरीके से। तो ये रहा उनका कि जो समाज है वो चार भागों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की, कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था यानी कि मनी मैटर क्या था। जरूरी है कि समाज को चलाना है तो हमें पैसे तो चाहिए, मतलब पैसा तो हम आज बोलते हैं, तो किन किन चीज़ों की जरूरत है, कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या शामिल होता था। आज भी अर्थव्यवस्था में वही चीज़ें शामिल होती हैं जो उस समय पर होती थी। तो देखिए अर्थव्यवस्था से के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो चार चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग और चौथा आपका है व्यापार। ये देखिए हर चीज का एक सीक्वेंस है कि कृषि पहले नंबर पर क्यों है, क्योंकि लगभग सारा रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर के फील्ड से मिलता है। दूसरे नंबर पर हमने कहा पशुपालन, कि कुछ रहा सहा जो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो हमें पशुओं से मिलता है। उसके बाद हमने कहा उद्योग, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको टेक्निकली प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उनके लिए हमें उद्योग बनाने पड़ते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कंपनीज आपके या वर्कशॉप होती हैं। और उसके बाद लास्ट आता है आपका व्यापार, यानी कि जब सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई तो हमें उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, वो आपका व्यापार होता है। तो देखिए थोड़ा सा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो उस समय थी, उस समय कृषि के बारे में क्या विकास वहाँ पर हुआ। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी, शुरुआती सभ्यता मानते हैं हम कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता है, वो फिर भी कितनी डेवलप थी। देखिए कि उस समय पर जो कृषि के सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 9 फसलों का उत्पादन किया जाता था। हम मानते हैं कि हम आज हम कितने मॉडर्न हैं, नहीं, हमारी हड़प्पा सभ्यता हमसे ज़्यादा मॉडर्न थी, और वो कितने समय पहले की बात है। तो देखिए कृषि में वहाँ पर 9 फसलों का उत्पादन होता था, जो कुछ प्रमुख फसलें थी, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, कपास, ये उसकी प्रमुख फसलें थी। और देखिए एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठते हैं ग्रेजुएशन आफ्टर 12th, तो आप फेस करते हैं कि
एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो अगर आपसे खाद्यान्न फसलें पूछी जाती है तो आपका गेहूं, देन चावल। अगर आपसे व्यापारिक फसल पूछी जाती है तो आपका कपास। कपास एक ऐसी फसल थी जिसका सबसे पहले उत्पादन इंडस सिविलाइजेशन ने किया था, सिंधु सभ्यता या हम ये कहें हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। और उन्होंने कपास को कपास नहीं, एक अलग नाम दिया था। वो कपास को सिंडोस के नाम से बुलाते थे। और जो कपास है वो हमें छोटे बाल या रेशा उसका जो प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? देखिए, आप देखते होंगे कि खेतों में जो कपास हम उगाते हैं, जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे बाल्स आ जाते हैं। वो बाल्स है, उसी से हमें जो कॉटन बॉल्स आप बोल सकते हो, उसका छोटा जो रेशा होता है, यानी कि उसके अंदर जो कॉटन होती है, उसी से हम एक प्रोसेस के थ्रू कपड़ा बनाते हैं, बिनोले बनाते हैं, जो भी प्रोसेस फैक्ट्री में होता है। तो आपकी जो मुख्य व्यापारिक फसल रही उस समय पर हड़प्पा सभ्यता की, वो कपास थी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कृषि में किन किन यंत्रों का यूज होता था, तो ऑब्वियसली टेक्निकल सिस्टम नहीं था, तो हाथ के बनाए हुए औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो औजार होते थे आपके पत्थर, लकड़ी या धातु के बने होते थे। और उस समय पर हल का प्रचलन था जो लकड़ी का बना हुआ होता था। ये तो रहा कृषि के बारे में। कृषि के बाद दूसरी चीज हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाली थी, पशुपालन। पशुपालन देखिए नाम से ही स्पष्ट, पशुपालन पशुओं को पालना, कि कौन से पशु, पशुओं को हड़प्पा सभ्यता के दौरान पाला जाता था, यानी किन किन पशुओं के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नॉलेज थी। तो देखिए उस समय पर काफी पशु थे, लेकिन उनके जो फेवरेबल या हम ये कहें जिनकी उन्हें ज्यादा जानकारी थी या हमें जो इतिहासकार हमें बताते हैं, तो उनमें आपका गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गैंडा, सुअर और कुत्ता, ये जो पशु थे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये सब नाम पढ़ने को मिलेंगे। और यूजेस देखिए अपनी सुविधा के अनुसार वो पशु का इस्तेमाल करते थे। तो दूसरा देखिए कि पशुपालन में वो कुत्ते का इस्तेमाल कहाँ करते थे, कुत्ता। देखिए उनको आज भी कुत्ते को हम पालतू पशु के रूप में पालते हैं, वो हमारे घरों की रखवाली करता है, तो उस समय में भी सिंधु सभ्यता में भी जो कुत्ता है वो उनको शिकारियों से बचाता था, उनके घर की रखवाली करता था, यानी कि एक हम ये कहेंगे एक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करता था। दूसरा गाय और भैंस, जिनसे उनको दूध की प्राप्ति होती थी और इस दूध से वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे। बैल, बैल को ज़्यादातर बोझा ढोने के काम में लाया जाता था। फसलों का जो उत्पादन हम करते हैं एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वी यूज फोक, उस समय पर हम बैल का यूज करते थे। कुबड़ वाले सांड का भी कहीं कहीं जिक्र आप बुक्स में पढ़ेंगे। कुबड़ वाला सांड क्या था, एक बैल की तरह ही दिखाई देने वाला, जिसका पीछे जो हम्प होता है जैसे ऊंट पर होता है, काफी ऊंचा सा निकला हुआ वो कुबड़ वाला सांड होता था और उसकी लोग पूजा करते थे। ये था पशुपालन। घोड़े का इस्तेमाल भी उन्हें वो करते थे, घोड़े की जानकारी भी उन्हें थी। घोड़े का इस्तेमाल ज्यादातर योद्धा करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर लंबा एरिया कवर करना है तो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ों पर जाकर चढ़कर वो युद्ध करने के लिए जाते थे। और घोड़े के जो अवशेष हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो हमें सूत कोर्दा और कोर्दीजी से मिले हैं। और देखिए कृषि से हमें फसलों से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो प्राप्त होता था, और पशुओं से हमें जो दूध से बने पदार्थ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता था। तो कृषि और पशुपालन। तीसरा हमारा है उद्योग। देखिए उस समय पर भी हड़प्पा सभ्यता में भी काफ़ी लोगों ने उन्नति की थी, उनके उद्योग भी काफ़ी प्रचलित थे, कि जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं उनके उन्होंने उद्योग लगाए। तो देखिए जो फेमस उद्योग थे वो क्या थे, तो सबसे पहले देखिए हम नगर योजना के बारे में पढ़ के आए थे कि ईंटें बनाने के कारखाने बहुत उन्नत थे, तो 5 प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल हम करते थे। आपने अगर याद है तो हम अपनी पहली क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की ईंटें देखिए कौन सी थी, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, फनीदार ईंटें, एल आकार की ईंटें और अलंकृत ईंटें। तो इनके लिए जब हमें एक ही चीज़ के लिए इतने सारे वैरायटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें उसके लिए फैक्ट्री वर्कशॉप तो चाहिएगा, यानी कि एक उद्योग तो हुआ इनका, यानी कि ईंट उद्योग। दूसरा सूती कपड़े का उद्योग। कैसे, सिंपल सी बात है कि कपास उनकी मुख्य व्यापारिक फसल थी, कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता था। देखिए कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में होता है
और सिंधु जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता थी। तो नदियों के द्वारा जो पानी बहाकर लाया जाता उसके अंदर जो मिट्टी आती थी वो काफी उपजाऊ होती थी, और इसीलिए कपास का उत्पादन है बड़े पैमाने पर बहुत ही बढ़िया होता था। तो उन्होंने सूती वस्त्र बनाने का कारखाना लगाया। उसके बाद चूड़ियां, बैंगल्स, आजकल तो आप देखते हैं जो बैंगल्स की वैरायटी है वो आपको मेटल, नॉन मेटल, रबर, ट्यूब टाइप, काफी तरह के, आपको यहाँ तक कि हम ये कहें कि लकड़ी की भी आजकल फैशन में है। तो वो सब चीजें उस समय पर नहीं थी, वहां उस समय पर चूड़ियां बनाने के कारखाने थे, लेकिन वो चूड़ियां सिर्फ एक ही टाइप की होती थी, और ये जो चूड़ियां थी वो कांच की होती थी, कि कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग भी उस समय पर उन्नत थे। और स्पेशली अगर हम जिक्र करते हैं कि इसके जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा से मिले हैं, यानी कि भारत में राजस्थान और राजस्थान के अंदर कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। और माना जाता है, ऐसा बुक्स बोलती हैं या हम स्टडी में ऐसा पढ़ते हैं, कि ज्यादातर प्लेन चूड़ियां ही बनाई जाती थी जिनका रंग काला होता था। इसके बाद मन के बनाने का कारखाना, मन के समझते हो, देखिए एक अगर आप हिंदी में दोहे पढ़ के आए हैं तो एक दोहा जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, मन का फेर फिरे फिरे न मन का फेर, मन का यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि गाँव में भी शहरों में भी देख सकते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली महिलाएं या आप जो बाबा साधु संतों की अगर हम बात करते हैं, तो एक बड़ी सी माला लिए होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, वेट, कि इस तरह की जो माला है, दैट ये मनके हैं, कि इस तरीके से मन का फेर फिरे, ये जो मनके हैं कि इनका जो निर्माण है उस समय पर इसके काफी अच्छे उन्नत उद्योग थे, कि कोई भी छोटा सा लकड़ी का या फिर हम ये कहें पत्थर का या थोड़ा सा प्लास्टिक उस समय पर यूज नहीं होता था, तो स्पेशली लकड़ी और पत्थर या मेटल जो होता था उसके छोटे छोटे मनके गोल गोल बनाए जाते और उनके अंदर सुराख छोड़ दिए जाते थे धागा को पिरोने के लिए। तो मन का उद्योग भी उस समय पर काफी प्रचलित था। और ये प्रचलित क्यों था, क्योंकि देखिए उस समय पर हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे, तो इसका जो मनके था इनका ज्यादातर इस्तेमाल आभूषण बनाने में ही किया जाता था। इसके बाद देखिए कि हमारे जो फेमस उद्योग थे वो तो हम पढ़ चुके हैं, कि चूड़िया बनाने का उद्योग, सूती वस्त्र बनाने का उद्योग, आपके ईंटे बनाने का उद्योग, मनके बनाने का उद्योग, और एक आपका जैसे आता है कि भाई जो सॉरी मेटल जो है धातु है उससे औजार या बर्तन बनाने का उद्योग, कि जो धातुएं हैं ज्यादातर उस समय पर जो काशा यानी कि तांबे का इस्तेमाल होता था, और तांबे से वो कृषि में यूज करने के लिए औजार या सजावट के जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर यूज करने के लिए बर्तन, इसका इस्तेमाल करते थे। तो धातु उद्योग भी काफी प्रचलित था। एक जो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखने योग्य बात है, कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए ध्यान से सुनेगा, सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उन्हें लोहे की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि माना जाता है जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो वो ज्यादातर तांबे का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये तो रही हमारी अर्थव्यवस्था, कि अर्थव्यवस्था मीन्स किस तरह के उद्योग। आगे तो मैं आपको लाइटली रिवाइज करा देती हूँ, कि देखिए हमने पढ़ा नगर योजना, उसके बाद में हमने पढ़ी थी आपकी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें हमने चार पार्ट्स पढ़े थे, योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक, और एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज इसी में हमने पढ़ी थी कि मात्र सत्तात्मक समाज, यानी कि नॉट मेल डोमिनेटेड, फीमेल गिवन टू प्रायोरिटी ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने उद्योग पढ़े कि उद्योगों में क्या जरूरी था, कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। डिटेल से हमने पढ़ा कि कौन सी फसलों का उत्पादन होता था, कौन सी फसल सबसे मुख्य थी, पशुपालन में किन किन पशुओं का प्रयोग किया जाता था, उद्योगों में कौन से उद्योग प्रमुख थे, और व्यापार में कि किस तरह का व्यापार था, क्या बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका भोजन कैसा था, यानी कि क्या खाते थे, किस तरह की चीजें वो इस्तेमाल करते थे। तो भोजन में देखिए वो दोनों तरह का भोजन करते थे, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, यानी कि उस समय पर सभ्यता डेवलप तो थी, हम मानते हैं कि हमारी आज की मॉडर्न सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता मिलती है, लेकिन पशु पक्षियों को मारकर खाना,
कच्चे पेड़ों से फल फ्रूट तोड़ के खाना, भोजन को पका के खाना, दोनों तरह की चीजें उस समय पर चलती थी। यानी कि वहाँ उस समय का जो भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का था। आभूषण की बात कर लेते हैं हम कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम उद्योगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन सब के बाद एक छोटी सी चीज आती है कि हम जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ के आते हैं कि वो जो लिपि है, लिपि मतलब लिखा हुआ, कि जैसे हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है, पंजाबी की गुरु लिखी है, तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक, यानी कि अक्षर नहीं लिखे गए हैं, चीजों को छाप के दिखाया गया है। यानी कि जैसे जो मोहर होते हैं उनको छाप के दिखाया गया है, उसको अंडरस्टूड करके हमें उसका मीनिंग बताना होता है कि ये जो चीज छपी हुई है इसका मतलब क्या है। तो जो हमारी लिपि है भाव चित्रात्मक, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, उसको अभी तक पूरे तरीके से समझा नहीं गया है। इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है कि उस समय पर अंतिम संस्कार कैसे होते थे। तो देखिए, अंतिम संस्कार जैसे आज होते हैं वैसे ही उस समय पर भी होते थे। कि देखिए, अगर कोई पासा भी होता है तो हम उसको अंतिम संस्कार कैसे करते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में भी अंतिम संस्कार है वो मेनली तीन तरीके से होते थे। एक तो पहला होता है पूर्ण दाह संस्कार। जैसे देखिए, हम चीजों को आज की सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। देखिए, पूर्ण दाह संस्कार, थोड़ा सा हिंदी में आपको लगता है कि हैवी वर्ड्स हैं। पूर्ण दाह संस्कार मतलब कोई जब पास हो गया है, पास मीन्स कोई गुजर गया है, तो उसको शरीर को पूरे तरीके से जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जो अवशेष बचते हैं, अवशेष मीन्स जो हड्डियां वगैरह बचती हैं, उनको चुन लिया जाता है, एक बर्तन में उनको डाल करके रख दिया जाता है। हम अपनी मॉडर्न सोसाइटी में तो जो अस्थियां हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि फूल चुनने गए थे, उनको चुन लेते हैं, एक बर्तन में बांध लेते हैं, लाल कपड़ा उसके ऊपर लगा देते हैं, और उसको किसी नदी में या किसी पवित्र सरोवर में हम उसका विसर्जन करके आते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में होता तो ऐसा ही था, और इस चीज को हमने हिंदू सोसाइटी से जोड़ दिया है कि उस समय पर कुछ लोग जो पूर्ण दाह संस्कार करते थे वो आज के समय में हिंदू सोसाइटी के लोग हैं। कैसे? कि कोई पास अभी हो गया और उसको जला दिया गया, उसके जो अवशेष बच गए उनको इकट्ठा कर लिया गया, एक बर्तन में डाल दिया गया, हम विसर्जन करके आते हैं। लेकिन उस समय पर वो लोग विसर्जन नहीं करते थे, उस चीज को दबा देते थे। ये तो है पहला पूर्ण दाह संस्कार। दूसरा तरीका कि दफनाना। देखिए, उसको जो हड़प्पा सभ्यता है और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है इसको कनेक्ट करते हैं ताकि इजीली समझ आए। दफनाना, दफनाते कौन है? जो मोमडन है, यानी कि हम मानते हैं हमारे समाज में जो हिंदू हैं वो जलाते हैं, और जो मोमडन जो मुस्लिम सोसाइटी है वो दफनाती है। तो उस समय पर भी कुछ ऐसा प्रचलन था कि उस सभ्यता के कुछ लोग, जो लोग मर जाते थे, उनको पैक करके ताबूत के अंदर उनकी कुछ प्रिय वस्तुएं हैं उनके साथ रख करके उनको दबा देते थे। तीसरा, आंशिक दाह संस्कार। आंशिक, आंशिक मतलब अंश में, बटा हुआ, पार्ट्स में। दाह संस्कार मतलब दाह संस्कार। कि देखिए, तीसरी जो चीज बचती है ये थोड़ी सी अलग है, हम आज के समय में तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम नोवेल्स वगैरह में ऐसा पढ़ते हैं कि देखिए, आंशिक दाह संस्कार, अंश बांट करके चीजों को। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एक मरे हुए इंसान की बात कर रहे हैं। उसको कैसे बांटना है? उसको काटना नहीं है। मीन्स कि देखिए, जब वो इंसान, कोई भी इंसान है जो मर जाता है, जो आंशिक दाह संस्कार करते हैं, उसको किसी लोहे के बहुत बड़े चबूतरे पर रख दिया जाता है, काफी ऊंचाई पर, कि उसको जो पशु पक्षी हैं, जो बाज वगैरह, कौवे चिड़िए जो भी हैं, वो उसको खा लें, और जब वो उसको खाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, यानी कि जो उसका हिस्सा बच गया है हम क्या करते हैं? उसको दफना देते हैं। ये आंशिक दाह संस्कार है। और आंशिक दाह संस्कार मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा है कि जो स्कारलेट होते थे उनके साथ ऐसा ही किया जाता था। यानी स्कारलेट मतलब ऐसा माना जाता है जो फीमेल अपने रिलेशनशिप को लेकर के लॉयल नहीं होती हैं, उनको स्कारलेट बोला जाता है, और उनके लिए ए लेटर को इंडिकेट किया जाता है जिसका कलर रेड होता है, और उनको उनके मर जाने के बाद या उनको ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि जब वो मर जाएंगे तो उनका जो पार्थिव शरीर है, शव है, उसको एक ऊंचे टावर पर रख दिया जाएगा, जबकि जो पशु पक्षी हैं, बाज वगैरह जो भी हैं, उसको नोच नोच कर खा जाएंगे, और उनका जो लास्ट का हिस्सा बच जाएगा तो उनको ऐसे ही दफना दिया जाएगा। ये आंशिक दाह संस्कार है। तो दाह संस्कार की तीन विधियां थी, पूर्ण दाह संस्कार, दफनाना और आंशिक दाह संस्कार। इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है कि हम अंतिम संस्कार तक तो पहुंच गए,
कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, यानी क्या कारण रहे कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, इसके पतन के क्या कारण रहे। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग माना है कि, और जहां तक हमें लगता है कि किसी की भी बात को हम पूर्ण तरीके से सच नहीं मान सकते। तो देखिए, जो बुक्स हैं वो क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एशिया के लोग आए होंगे, आर्यों ने सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उन पर आक्रमण किया होगा और वो हार गए होंगे, तो उनकी जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई होगी। मीन्स कि बाह्य शक्तियों का आक्रमण, कि कुछ लोग बाहर से आए, उन्होंने वो इतने युद्ध कौशल नहीं होंगे जितने कि बाहर से आने वाले होंगे, तो ऐसा माना गया कि बाह्य आक्रमण के कारण उनकी जो संस्कृति है वो खत्म हो गई। दूसरा कारण बाढ़, कि कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे थी, जो काफ़ी फली फूली सभ्यता हम मानते हैं कि पानी का अच्छा प्रबंध था, पानी की कमी नहीं होती थी, तो उन्होंने माना कि शायद प्रकृति ने अपना रूप बदला होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई होगी और इस सभ्यता के लोगों का विनाश हो गया होगा। या फिर एक आखिरी कारण हम मानते हैं कि एपिडेमिक, महामारी, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, लोग रोज मर रहे हैं स्प्रेड, क्योंकि इससे कॉन्टेजनस डिजीज, राइट। इसी तरीके से हम मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी कोई महामारी आई होगी और लोग एक दूसरे के चपेट में आते चले गए और उनकी जो संख्या है वो खत्म होती चली गई। इस तरीके से हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।